ब्रेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए कमाल की गर्मा गर्म खबरें आज भी आपके सामने हाजिर है हमेशा की तरह। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं Realme से। Realme की 10 सीरीज का काफी टाइम से इंतजार था कि कब भारत में आएगा। अब ये जो इंतजार का पल है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि Realme के जो CEO है माधव शेठ जी, उन्होंने खुद बता दिया है कि जो Realme की 10 सीरीज है वो हमें 8 दिसंबर को देखने को मिल जाएगी। यानी 8 दिसंबर को लॉन्चिंग इवेंट है जो कि दोपहर के 12:30 बजे से शुरू होने वाला है और ये जो स्मार्टफोन हमें सबसे पहले फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगी। Realme 10 सीरीज के अंदर में Realme 10 Pro, 10 Pro Plus 5G ये दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं और ये जो स्मार्टफोन है उसमें कर्व डिस्प्ले भी आने वाली है, ये बात को भी आपको याद रखना है। जी हाँ, Realme 10 Pro Plus 5G की बात कर रहा हूं। अब Realme की ब्रांड न्यू Realme 10 सीरीज को किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। आपका क्या कहना है इस बात पर नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। Jio अपनी 5G सर्विसेज को लगातार बढ़ाया जा रहा है और अब Jio ने एक और नई सिटी में 5G की सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। और जी हाँ, ये जो सिटी का नाम है वो पुणे। पुणे में अब जो Jio के यूजर है वो 5G सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। पुणे में अगर Jio के जो यूजर्स है उनके पास एक 5G एनेबल स्मार्टफोन होना चाहिए 5G को यूज करने के लिए, तो वो पूरी 5G सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। और अभी फिलहाल 5G का कोई भी प्लान तय नहीं किया गया है कि क्या प्लान रहेगा, कितने रुपए में दिया जाएगा, तो इस बात को लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ। तो जो Jio के यूजर्स है जो 5G यूज करना चाहते हैं पुणे के अंदर, तो सभी को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। यानी फ्री में जितना मर्जी चाहो उतना डाउनलोड कर लो, जितना मर्जी चाहो उतना सर्फिंग कर लो। और इस स्पीड को देख के लग रहा है कि Jio 2023 तक पूरे भारत में 5G की सर्विसेज को रोल आउट कर देगा। यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां पे 5G की सर्विसेज ना मिल रही हो, तो ये काफी अच्छी बात है Jio आपके तरफ से। आप सोच रहे होंगे कि ये Jio का जो अनलिमिटेड इंटरनेट है वो हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे, तो बता दूं कि जहां पे भी Jio की 5G सर्विसेज मिल रही है तो वहां पे Jio का वेलकम ऑफर मिल रहा है। वेलकम ऑफर किस तरीके से लेना है ये मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको माई Jio जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। जैसे इंस्टॉल करोगे उसको ओपन कर लो, आपका जो Jio का रजिस्टर्ड नंबर है उसमें डाल दो, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद वहां पे आपका प्लान दिखाई देगा और वहां पे भी आपको ऊपर जब देखोगे टॉप साइड तो वहां पे आपको Jio का वेलकम ऑफर दिखाई दे रहा होगा। वहां पे क्लिक करो, कुछ जरूरी डिटेल्स फिलअप करो और आप Jio की फिर 5G सर्विसेज का लाभ उठा पाओगे। कोई भी चार्ज नहीं देना है फिलहाल के तौर पर। Jio की 5G सर्विसेज का यूज करना है आपको तो जो Jio का 4G सिम आपके पास अवेलेबल होगा वही सिम से आप Jio की 5G सर्विसेज का लाभ उठा पाओगे। अगर कोई भी स्कैमस्टर आपको बोलता है कि मैं Jio का आपको 5G सिम दे देता हूं, आप उसको ले लो और Jio की 5G सर्विसेज का लाभ उठाओ, तो सारे स्कैमस्टर वो फ्रॉडस्टर है, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, जिससे आप कोई भी फ्रॉड एंड स्कैम का शिकार ना बनो। तो आप ये बात शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जहां पे भी ठीक लगे वहां पे शेयर करो, पर ऐसे स्कैम के शिकार से बचो। आप बताओ कि आप Jio के यूजर हो तो आपके वहां Jio की 5G सर्विसेज शुरू हुई है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर से बताओ। पिट्रॉन ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो को और बढ़ाते हुए एक शानदार ईयरबड्स लॉन्च कर दिए जिसका नाम है पिट्रॉन बासबर्ड्स NYX। और ये जो ईयरबड है इसकी जो डिजाइन है पूरी ट्रांसपेरेंट दी गई है। जी हाँ, तो लूप में बहुत ही स्टाइलिश लग जाता है। और इसी ईयरबड की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे, 50 ms की लो लेटेंसी देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ 5.1 मिल जाएगा, 9 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाएगा, IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। और इस ईयरबड की सबसे बेहतरीन मुझे अगर बात लगी है तो वो उसका चार्जिंग केस, जिस पर एक डिस्प्ले दिया गया है और डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि ये जो चार्जिंग केस है वो कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो ये काफी अच्छी बात है, जहां पे जो कहते हैं ना कि ओवर चार्ज या वगैरह ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 1299 रुपए में। पर आज की बात करें तो आज ये जो है आज ही लॉन्च हुआ है तो इसमें ऑफर दी गई है कि अगर आप इसे आज खरीदते हो तो ये आपको 999 रुपए में मिल जाएंगे, यानी 300 रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। अगर आप ढूंढ रहे हो एक अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छे साउंड इफेक्ट्स के साथ आने वाला, अच्छे फीचर्स के साथ आने वाले ईयरबड को और वो भी अंडर 1000 रुपीज में, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। डीजो ने अपनी एक ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच डीजो वॉच आर टॉक गो, यस बहुत ही बड़ा लंबा नाम है, पर ये उन्होंने भारत में लॉन्च कर दिए। और ये जो स्मार्ट वॉच है उसका जो पूरा डिजाइन दिया है वो स्पॉटी लुक टाइप थोड़ा लगता है
और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए। अगर इसी स्मार्ट वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.39 इंच के एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 500 नीट्स से, जी हाँ, और साथ ही साथ इसमें आपको 100 प्लस स्पॉट्स मोड देखने को मिल जाएंगे और 150 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। IP68 की रेटिंग भी मिल जाएगी, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जी हाँ, कॉल कर पाओगे, इनबिल्ट स्पीकर दिया हुआ है, माइक दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसी स्मार्ट वॉच की कीमत की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पर 3,999 रुपए में, जी हाँ, और इसका जो फर्स्ट सेल शुरू होने वाला है अगर उसमें आप खरीद लेते हो तो ये वॉच आपको मिल जाएगी 3,499 रुपए में, और ये जो सेल है वो 30 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो ये बात का ध्यान रखना है। अगर आपको जरूरत एक स्मार्ट वॉच की ढूंढ रहे हो जो भी कम कीमत में और वो भी क्वालिटी फीचर्स के साथ, तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो 30 नवंबर को। Motorola Moto Edge 40 Pro, ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी में देखने को मिल सकता है। अब उसकी कुछ स्पेक्स और निकलकर बाहर आई है। अकॉर्डिंग टू योगेश ब्रार, इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच की एक FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और ये जो AMOLED होगी या OLED होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, बट हाँ 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। और साथ ही साथ इसमें आपको 8GB रैम, 12GB रैम, 16GB रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, जी हाँ, और 128GB, 256GB, 512GB ऐसे 3 स्टोरेज ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC देखने को मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो रियर में आपको 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आने वाला प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो है 60 मेगापिक्सल का कैमरा, जी हाँ, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, 4610 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और मे बी इसकी ये जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से इसकी जो प्राइस होनी चाहिए 50,000 से प्लस तो आएगा ही आएगा, इसके नीचे आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं कि कितना ही जल्दी मोटोरोला ये जो स्मार्टफोन उसको भारत में लेकर आता है, इस बात का इंतजार। फायरवॉल ने अपनी ब्रांड न्यू निंजा कॉल प्रो प्लस इस स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया भारत में, जी हाँ। एक बात आपने देखी, अब जो स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च होती है उसमें भी आपको प्रो एंड प्लस ऐसे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन की तरह, सोचिए। अगर इसी स्मार्ट वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.83 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, स्मार्ट नोटिफिकेशंस मिलेगी, कॉलिंग फीचर दिया गया है, IP67 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको 100 प्लस स्पॉट्स मोड मिलेंगे, SPO2 हार्ट रेट मॉनिटरिंग और कई ऐसे सेंसर्स दिए गए और भी कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर इसी ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच की कीमत की बात करें तो इसे 1999 रुपए की प्राइस टैग से लॉन्च किया गया है Amazon पर। अगर आपको जरूरत है एक स्मार्ट वॉच की तो आप जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। काम के रिल की बात करें तो अगर आप 1500 रुपए के अंदर एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जो कि थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स भी दे देती हो और एक अच्छी वेल नोन ब्रांड भी हो, तो ये जो डील है वो आपके लिए काम की होने वाली है। बोट की तरफ से आने वाली बोट वेव लाइट स्मार्ट वॉच, अगर इसी स्मार्ट वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.69 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, हार्ट रेट सेंसर एंड SPO2 मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल स्पॉट मोड देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल स्मार्ट वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, यानी पानी में कहीं पे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्मार्ट वॉच है अभी आपको फिलहाल Amazon पर मिल रही है बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट के साथ। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी Amazon पर 1499 रुपए में। तो अगर आपको जरूरत है एक बेहतरीन स्मार्ट वॉच की और फीचर्स के साथ, तो इस स्मार्ट वॉच को आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं तो नीड फॉर स्पीड, ये गेम का जो नाम आपने जरूर से सुना ही होगा, जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये गेम को ऑलरेडी खेला होगा, कोई भी टाइटल खेला होगा, चाहे PC हो चाहे कंसोल हो, कहीं पे भी कहीं ना कहीं जगह खेला ही होगा। और ये जो गेम है उसका एक नेक्स्ट वर्जन नीड फॉर स्पीड अनबाउंड आने वाला है। ये जो गेम है वो 2 दिसंबर को आने वाली है PC, PS4, PS5, Xbox सीरीज सभी जगह पे। तो ये जो गेम है वो काफी बेहतर होने वाली है। और आप मुझे बताओ कि आपने नीड फॉर स्पीड का कौन सा टाइटल खेला हुआ है, PC, कंसोल या चाहे मोबाइल, कहीं पे कहीं ना कहीं खेला हो तो नीचे कमेंट में जरूर से बताएं। तो बस आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।